Once again, a very good afternoon to all of you, dear students. Today, the chapter which we start, that is voice. क्या ये आपका voice है? जैसे हमने पढ़ा, we have completed in a very good way. That is your narration. जैसे हमने narration को पढ़ा and we have completed. हमने क्या किया उसे? Complete कर लिया. Right, everyone? Right? Getting everyone my words? Am I audible? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Very good. Very good. Okay. So today. Yes, sir. You are audible to us. So today we will start from voice. So anyone, tell me about voice. Voice किसे कहते हैं? थोड़ा आप लोग बताइएगा मुझे voice के बारे में. बताइए तो. Anyone, guys, आप messages भी करके, text करके बता सकते हो कि voice क्या है? Voice किसे कहते हैं? You have to tell me, okay? हमारी बात समझ में ना? आप ही को बताना है. So tell me. Getting everyone? Voice refers to the form of a verb that indicates when a grammatically subject performs the action or receiver of the action. Very good. Nayan Srivastu. Aur koi? Aur koi? Anyone who want to tell me? Aur koi? The changing of subject to object. Sasang Pandey. Achha, aapne ye bataya. Okay, very good. अब कोई मुझे बता सकता है क्या एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? थोड़ा सा मुझे आप ये भी बता दो कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? Tell me everyone, if you know that, then you have to tell me कि हम लोग एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? Tell me everyone, fastly. Sasang, very good. Subject act upon its verb. उसे हम क्या बोलते हैं? तो active voice बोलते हैं. Very good. Many more. और कोई भी मुझे बताएगा क्या? I am waiting for your reply. Tell me, guys, fastly. Okay. So tell me fastly that. कोई मुझे बताए? Anyone? The term used to classify sentence in which the subject of a sentence is बहुत बड़ा-बड़ा लिख रहे हो सब. You all are writing. ओके, वेरी गुड. चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं वॉइस किसे कहते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे ना, वॉइस क्या है ना? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. ये क्या है आपका? वर्ब का ही एक फॉर्म होता है, एक पार्ट होता है. गेटिंग एवरीवन? सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. नाउ गाइज, स्टॉप मैसेजिंग और लिसन माई वर्ड केयरफुली. ठीक है ना? मेरे शब्दों को आप ध्यान से सुनिए. आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. ओके एवरीवन, आई होप यू ऑल आर लिसनिंग मी. ओके, तो चलिए, मैंने क्या बोला कि वॉइस क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब. पहले ये समझो, वॉइस क्या है? तो एक फॉर्म ऑफ वर्ब है. क्या है ये? वर्ब का ये क्या है? प्रकार है. वी कैन से दैट. अब देखो इसमें क्या होता है ना, जो कि वर्ब के साथ रिलेशन बताता है. ठीक है ना? किसको बताता है? तो रिलेशन को डिनोट्स करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ. किसके साथ? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ. ठीक है ना? जो वर्ब के रिलेशन को बताया, दैट इज कॉल्ड वॉइस. ओके एवरीवन, फिर से समझेंगे. इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट डिनोट्स इट रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. अरे बात समझ में ना, क्या होता है ये? तो ये क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो रिलेशन बताता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई समझने में, डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या? टेल मी एनीवन, टेल मी. कौशिक? नो सर, नो सर. कौशिक, चलिए बोलिए क्या प्रॉब्लम है कौशिक? सर जो एक होता है ना सब्जेक्ट डूअर, सर इसका मतलब? डूअर होता है ना, ये हम आपको पढ़ाएंगे तब समझाएंगे. अभी मैंने वॉइस के बारे में पूछा. डूअर जो वर्क करता है ना, दैट इज कॉल्ड डूअर.
जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हम एक अनदर वर्ड से जानते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डूअर बोलते हैं। पॉसी अरे बात समझ में? तो अभी फिलहाल जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना उसमें बताओ प्रॉब्लम है कि नहीं। ओके किसी को कोई प्रॉब्लम? डिफिनेशन देखो शॉर्ट रखो, माइंड को क्लियर रखो, दैट इज क्वाइट इनफ। ओके बड़े बड़े डिफिनेशन पे नहीं जाना है, रट्टा मार नहीं करना, हमें समझना है। तो वाइज क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? एक वर्ब का एक फॉर्म है दैट डिनोट्स इट्स रिलेशन विद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो इसका रिलेशन किसके साथ बताता है? तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन बताता है। ठीक है, इस डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखो वॉइस पढ़ेंगे ना हम लोग, देयर आर टू टाइप ऑफ वॉइस, ठीक है ना, बताएंगे अपर में, डेफिनेटली आई विल टेल यू। ठीक है, बस अभी इतना ही समझो। ठीक है अपर में, ओके आई विल टेल यू। पहले भी आप यहीं पे आप समझिए, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे ना वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ठीक है, पहली बात समझ में? अब देखो, तो देखो जो एक्टिव वॉइस होता है ना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो जो हम लोग टेंस पढ़े तो टेंस में हमने जम के एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा। जो हम लोग टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे थे उसमें जो सेंटेंस देख रहे थे डेट इज अ पार्ट ऑफ, वो क्या है? तो टेंस का पार्ट वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। ये आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या कि एक्टिव वॉइस हम लोग पढ़ चुके हैं? जो टेंस में जो हम लोग का रहता था ना स्ट्रक्चर, जो भी हम लोग उसका सेंटेंस पढ़ रहे थे, सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, दैट वाज अ पार्ट ऑफ वॉइस। उसे हम क्या कहते हैं? तो वॉइस का पार्ट बोलते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एक्टिव वॉइस पढ़े ना, जैसे मैंने बोला आपको, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, आई प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस का फॉर्म है कि नहीं है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और उसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, बताओ मेरे को। तो हम लोग एक्टिव वॉइस जो टेंस में जो स्ट्रक्चर पढ़े थे ना वो होता है आपका एक्टिव वॉइस। अरे बात समझ में? अरे बात समझ में ना? पैसिव वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे कि देखो पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, जो कि यहाँ पर हम लोग वॉइस में सीखना है। ओके एवरीवन, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, वेरी गुड शशांक, बहुत अच्छा। अभी आगे चलते हैं ना, देखते हैं उससे मैं समझ में आएगा। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हम लोग देख रहे थे। तो एक्टिव वॉइस में देखो, एक्टिव वॉइस में क्या होता है ना, जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, जिसे हम डूअर करते हैं कहते हैं, वो खुद किसी वर्ड को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ओके एवरीवन, वो क्या करता है? ठीक है ना, सब्जेक्ट जब देखो स्वयं क्या करता है ना, वर्क करता है। सब्जेक्ट क्या करे? जब स्वयं किसी कार्य को करे उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है ना, अरे बात समझ में? अरे समझ में? बोलो सब, यस और नो? एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट जो है खुद किसी वर्क को करे, सब्जेक्ट क्या करे? खुद किसी वर्क को करे, यानी जो डूअर है, यानी जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो क्या करता है? ठीक है ना, किसी मेन जो वर्क है, इंपॉर्टेंस जो दे, वो क्या दे आपका? सब्जेक्ट देता है। इसमें वर्ब क्या करता है? ठीक है ना, जो डूअर है ना उसको मेन क्या देता है? प्रायोरिटी देता है वर्क करने का, जो वर्क। ओके, जैसे कि देखो वर्क डन बाय सब्जेक्ट, वेरी गुड नया, बहुत अच्छा। देखो कैसे, मैंने एक एग्जांपल दिया है, अब देखना थोड़ा सा पैसिव के बारे में समझ लेना। पैसिव फॉर्म क्या होता है? अब देखो पैसिव क्या होता है ना, बस इस बात को समझो, जब सब क्या किया जाए, सब्जेक्ट के लिए कोई काम किया जाए, किसके लिए काम किया जाए? तो सब्जेक्ट के लिए काम किया जाए। अगर सब्जेक्ट खुद वर्क को करेगा, ठीक है ना, और वर्ब वहां पे जो है मेन प्रायोरिटी किसको देता है? सब्जेक्ट को देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, ठीक है ना, कि हम लोग क्या करते हैं? सब्जेक्ट के लिए काम करते हैं, सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं? कोई वर्क करते हैं। पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के लिए हम किसी वर्क करते हैं, डेट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? तो पैसिव वॉइस करते हैं। अरे मेरी बात समझ में? क्या एक्टिव पैसिव समझ में आ रहा है? यहाँ पे सब्जेक्ट खुद किसी वर्क को करता है, ठीक है ना, जहाँ पे डूअर को मेन आप प्रायोरिटी देते हो किसी वर्क को करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। उसे हम क्या कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस कहते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? गेटिंग एवरीवन? पहले ये मेरे को बताओ, तो एक्टिव पैसिव सभी का क्लियर हो रहा है? नैतिक श्रीवास्तव, यस सर, हाँ, पैसिव में ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड एवरीवन।
चलिए अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा एक्टिव पैसिव के थोड़ा सा डिफिनेशन को. इफ यू वांट टू राइट द डिफिनेशन व्हिच आई हैव जो मैंने यहाँ पे दिखाया है ठीक है, तो आप इसे क्या कर सकते हो ना, यू कैन राइट, आप इसे लिख सकते हो. यस अमृत दीर्घ, अमृत यू हैव टू बी कॉन्शियस, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दो, अब कॉन्शियस हो जाओ अपने स्टडी को लेके अमृत. ओके गेटिंग माई वर्ड्स. चलिए तो थोड़ा सा इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, तो अगर आप नोटबुक और पेन के साथ हो तो इफ यू आर विथ नोटबुक एंड पेन देन यू हैव टू नोट डाउन इट. लिखते चलो, हम लोग लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे थोड़ा सा. आप लोग इसको लिखिए, तो लिखिए, राइट इट गाइस फास्टली. क्या सभी को लिख लिए? यस आदित्य पूछिए. पहले तुम अपने पीछे का आवाज बंद करो ठीक है. क्लियर एवरीवन? क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं. अब जो मैंने लिखा है ना डिफिनेशन अबाउट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यू हैव टू राइट. हमने देखा एक्टिव वॉइस में मेन किसको दिया जाता है प्रायोरिटी. एक्टिव वॉइस में हम लोग प्रायोरिटी किसे देते हैं? सब्जेक्ट को. यानी कि सब्जेक्ट क्या करता है? खुद किसी वर्ड को करता है ठीक है ना. अरे बात समझ में, सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सब्जेक्ट जो है हमारा खुद अपने आप किसी वर्ड को करता है ठीक है. जो डूअर होता है, हाँ डूअर जो सब्जेक्ट ठीक है. अर्थात एक्टिव वॉइस में वर्ब द्वारा कर्ता का प्रधानता दी जाती है. अरे बात समझ में ना, जो एक्टिव वॉइस हमारा होता है इसमें प्रायोरिटी किसे दी जाती है? डूअर के द्वारा वर्ब को. गेटिंग एवरीवन? एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो वर्ब के द्वारा डूअर को क्या दिया जाता है? प्रायोरिटी दिया जाता है. वेरी गुड. और देखो पैसिव वॉइस में क्या होता है, थोड़ा सा पहले एक्टिव वॉइस का आप लोग डिफिनेशन लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हैज टू राइट इट. Write the definition of active voice. Write the definition of active voice, everyone. अब देखो सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन को ठीक है ना. इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स इटसेल्फ, जो खुद से क्या करता है, वर्क करता है. मेन जो डूअर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं ठीक है ना, एक्टिव वॉइस बोलते हैं. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा, सभी को देखो पहले, देखो उसके बाद लिखना. ओके लुक हियर एवरीवन, लुक एट हियर, देखो तो सभी कोई. आफ्टर दैट आई विल वंस अगेन गिव यू चांस. चलिए देखिए यहाँ पे इन एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्क्स itself. Active voice में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद से क्या करता है, किसी वर्क को कंप्लीट करता है. आ रही बात समझ में मेरी? बोलो. एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद से सेल्फ क्या करता है, किसी वर्क को करता है. ही टीचेस मी इंग्लिश. ओके देखो ही जो है यहाँ पर वो क्या करते हैं, टीचेस क्या करते हैं, वो पढ़ाते हैं किसको, मी को ठीक है, क्या इंग्लिश. तो ही टीचेस मी इंग्लिश. तो ही यहाँ पे क्या है, जो डूअर है वो वर्क कर रहा है ना, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है. और इस चीज को क्लियर कौन कर रहा है, आपका वर्ब कर रहा है, कर रहा है ना. ही टीचेस मी इंग्लिश. रामा हेल्प्स हरी. अब यहाँ पे इस एग्जांपल को देखो, रामा किसकी हेल्प करता है, हरी की हेल्प करता है. यहाँ पे मेन क्या है आपका, डूअर है. तो ये सारा एग्जाम्पल को आप लोग लिखिए ओके और नोट डाउन कीजिए, करिए तो थोड़ा फास्टली, साथ ही साथ पेयर बनाते चलना है. ओके देन आफ्टर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. मैंने नरेशन में देखा कि आपको प्रॉब्लम हो रहा था. शशांक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शशांक, वेरी गुड.
डन एवरीवन, क्या सभी कोई का कंप्लीट हो गया है? क्या सभी कोई का कंप्लीट हो गया है ना? टेल मी, थोड़ा सा आगे आते हैं। अब देखो पैसिव वॉइस के बारे में, देखो मैंने बता दिया है, बट वी हैव टू सी वंस अगेन मोर, अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस व्हेन इट इज फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये क्या होता है आपका, यदि सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाए, ठीक है ना, किसके लिए कार्य किया जाए, तो सब्जेक्ट के लिए कोई कार्य करता है, ठीक है, पैसिव वॉइस का समझना हिंदी में, यदि सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, किसी वर्क को करते हैं, तो ठीक है हम इसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे, सब्जेक्ट के लिए किसी कार्य को किया जाता है, ठीक है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट खुद ही किसी वर्क को करता है, पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए किसी कार्य को किया जाए, सब्जेक्ट के लिए किसी कार्य को किया जाए, उसे क्या कहेंगे हम, पैसिव वॉइस कहेंगे, ठीक है। और देखो पैसिव वॉइस में ना हम लोग ऑब्जेक्ट जो होता है ना उसे हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। अरे बात समझ में, गेटिंग एवरीवन? तो चलो इस डिफिनेशन को लिखो, तो लिखिए, राइट इट फास्टली, सभी को लिखिए, तो राइट इट गाइज, डन एवरीवन, क्या सभी कोई का कंप्लीट हो गया? टेल मी, आप सभी बताओ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड इट? क्या सभी, अब देखो मैं इतना ना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दूंगा आप लोगों को, दैट यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज वेरी इजली विच वन इज पैसिव वॉइस एंड विच वन इज एक्टिव वॉइस। ओके एवरीवन, ये आप अच्छे से पहचान जाओगे कि कौन सा पैसिव वॉइस है और कौन सा एक्टिव वॉइस है। सो डोंट केयर अबाउट इट मोर, ठीक है ना, ज्यादा इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल तरीका में एक दो चीज को हम लोग याद रखेंगे एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज पैसिव और एक्टिव। गेटिंग एवरीवन? ठीक है, तो अभी हमने देखा क्या, हमने देखा कि जनरली क्या होता है, जो सब्जेक्ट के द्वारा वर्क को किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस, और क्या होता है जो ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है ना ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी वर्क का होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के लिए दैट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। अरे बात समझ में ना, सब्जेक्ट, देखो एक्टिव वॉइस में हम किसे प्रायोरिटी देते हैं, तो सब्जेक्ट को, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को। गेटिंग एवरीवन? ये सारा बात सभी कोई को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गेटिंग, किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? अब चलिए, अब थोड़ा सा इस डिफिनेशन को अगर आप लिख लिए हो तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। Have you written the definition? Iram, Fatma, बताओ मेरे को, आपने क्या definition लिखा है? Have you written? Yes, Purnima, I know that you have done it, but I am talking to Mr. Iram Fatma. Very good. अब देखो, अब generally समझना, जो भी maximum generally कहने का मतलब है total नहीं, ठीक है, बट मेरी बात को समझना, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इफ नॉन लिविंग इज सब्जेक्ट, नॉन लिविंग क्या है आपका, सब्जेक्ट है, इट इज इन पैसिव फॉर्म। अब देखो, द ऑफिस इज डस्टिंग, क्या कोई ये वर्ड है क्या, मेरे को बताओ तो, ये क्या करेक्ट वर्ड है, बताइए मेरे को, इज इट अ करेक्ट वर्ड, मेरे को आप सभी बताओ, आई एम जस्ट गिविंग यू चांस, क्या ये करेक्ट वर्ड है, द ऑफिस इज डस्टिंग, क्या इज इट अ करेक्ट सेंटेंस?
बताइए. ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखोगे ना, जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग होगा, जनरली बात करते हैं अगर जनरली, तो देखो द ऑफिस इज डस्टिंग, ये सेंटेंस ही रॉन्ग है, इसका कोई मायने नहीं है. अगर ये सही होगा तो क्या होगा, द ऑफिस इज डस्टेड बाय अ प्यून. ठीक है, द ऑफिस इज डस्टेड बाय अ प्यून. अब मेरी बात को समझना थोड़ा सा ध्यान से. तो आप देखो, आपका अगर ठीक है ना सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, नॉन लिविंग थिंग से. इफ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग इज सब्जेक्ट, नॉन लिविंग क्या है तो सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग क्या है तो सब्जेक्ट है, इट इज इन पैसिव फॉर्म. तो जनरली यानी मैक्सिमम चांस में वो क्या होगा, तो पैसिव फॉर्म में होगा. किसमें होगा, पैसिव फॉर्म में. एक बात को समझो, पहला पैसिव पहचानने का तरीका समझ में आया ना. जैसे मैं बोलता हूँ आई प्ले क्रिकेट, आई क्या है, सब्जेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, टेल मी एवरीवन, लिविंग और नॉन लिविंग, आई क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग, लिविंग लिविंग लिविंग, वेरी गुड. तो ये मेरा क्या हो गया, एक्टिव का फॉर्म हो गया, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. ओके, बट इसी को मैं बोलता हूँ क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तब क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी है तो मेरा क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तब क्या होगा बताइए, पैसिव हो गया ना क्रिकेट. देखो क्रिकेट स्टार्टिंग हो रहा है ना, जो ये सब्जेक्ट बन गया. अब पैसिव का जो सब्जेक्ट है, जो हम एक्टिव में मेरा ऑब्जेक्ट था बट पैसिव में आया तो मेरा क्या हो गया, वो सब्जेक्ट हो गया. इस बात को ध्यान से देखना, एक्टिव में मेरा क्या था, वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन पैसिव में जैसे है वो मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. अब इस बात को समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे तरीके से. ठीक है, तो ये नॉन लिविंग की चर्चा की है, जैसे क्रिकेट, तो ये क्या हो गया, ठीक है, क्रिकेट क्या हो गया मेरा, तो ये मेरा जैसे मैंने बताया इसको, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, तो ये क्या हो गया, तो ये मेरा पैसिव फॉर्म हो गया. गेटिंग एवरीवन. अब दूसरा पैसिव फॉर्म पहचानने का तरीका जनरली क्या होता है, अब देखो जहां पे भी आपके सेंटेंस में क्या मिल जाए, इज मिल जाए, एम मिल जाए, आज मिल, सॉरी आर मिल जाए, वाज मिल जाए, और यहाँ पे एक और लिख लेना वर्ड, इज मिल जाए, पॉइंट देख लिखना, एम मिल जाए, आर मिल जाए, वाज मिल जाए, और उसके साथ क्या लगा हुआ है, आपको वर्ब थ्री देखने को मिले. क्या देखने को मिले, वर्ब थ्री क्या देखने को मिले, बोलो मेरे साथ, आई एम जस्ट हियरिंग योर वॉइस गाइज, यू हैव टू स्पीक मैन, आप सभी को बोलना है, वर्ब थ्री मिल जाए. गेटिंग एवरीवन, क्या मिल जाए, वर्ब का थ्री थर्ड फॉर्म मिल जाए, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म. गेटिंग एवरीवन, तो इज एम आर के साथ जनरली देखते हो क्या कि वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है, कंटिन्यूअस में तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिलता था ना, इज एम आर के साथ, राइट. लेकिन जब थर्ड फॉर्म देखने को मिल जाए तो जनरली वो क्या होगा, पैसिव फॉर्म में होगा, इसमें होगा पैसिव वॉइस में. अरी बात समझ में मेरी. अब देखो जैसे ही इज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, ठीक है ना, इसको डांट पड़ा है किसके द्वारा, तो इसकी माँ के द्वारा, ही इज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर. तो अब मेरे को बात बताओ, ही इज स्कॉल्डेड बाय हिज मदर, एकदम सिंपल तरीका से समझना है, ही इज स्कॉल्डेड, ही इज स्कॉल्डेड, इज के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है, इज के बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म है ना. अब चलो ना ससांग, कभी जितना पढ़ा रहे ना उतना समझो, आगे में ही जाओ, आगे जाना बंद करो. ओके, तो क्या हो जाएगा ये आपका ससांग, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी हैपन हियर दैट इट विल बी अ पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ओके, क्या हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस, देख रहे हो ना. देखो मैंने जो अभी पीछे एग्जांपल देकर बताया था, इज एम आर है, वाज है, उसके बाद क्या लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, लग गया ना, तो ये भी आपका क्या है, पैसिव वॉइस में. अब देखो यहाँ पे कुछ छूट चुका है, यहाँ पे भी देखो, जैसे आई एम हेल्प बाय हिम, आई के साथ क्या लगा, एम लगा, इसके बाद क्या लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, ठीक है ना, बाय हिम, तो ये भी मेरा क्या है, पैसिव फॉर्म में. तो देखो एम है, उसके बाद वर्ब थ्री है, यहाँ पे देखो आर है, वर्ब थ्री है, तो जनरली दे आर द पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस. Getting everyone? Is my words clear? क्या किसी को पहचानने में दिक्कत हो रहा है तो बोलो, raise your hand, those students they are facing problem. Purnima, no sir, only Purnima is saying that. What's about other? No sir, no sir, no sir, no sir. Okay, very good everyone. No problem. Okay. Mahi, you have to also speak Mahi. Okay, today I will ask from you also. Whatever I am teaching you, definitely I will ask to each and every student. So be ready. Be ready.
for giving answer of my question. Okay. अब थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, ये क्या है आपका, तो आप समझिएगा यहाँ पे क्या है। चलो सभी को है, यस सर यू हैव टू नोट डाउन इट, लिखिए आप इसे, लिखिए तो क्या बैक से करूं यहाँ पे, पहले इसको लिखो सर, राइट इट फास्टली गाइस। समझ में आ रही है मेरी बात है आप सभी को? Have you written everyone? How many people they have written it? Write it fastly everyone. और देखो जैसे मैंने मेहनत किया है ना, रेड पेन देख रहे हो ना, रेड कलर का यूज करके, ब्लैक कलर का यूज करके, ग्रीन कलर का यूज करके आई हैव रिटन। यू हैव टू ऑल्सो यूज सेवरल टाइप्स ऑफ पेन, ओके, व्हाइल राइटिंग दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू यूज, ओके, आपको देखने में बढ़िया लगेगा, पढ़ने में बढ़िया लगेगा, तो आप यूज करना। मेरी इतना तो क्लियर आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आई हैव डन ऑल दोस थिंग्स ऑन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर पे किया है। वेरी गुड पीयूष सर, आई हैव फोर टाइप्स ऑफ पेन, वाह क्या बात है, सही बात है, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड अमृत, और यूज करो, रेड का भी यूज कर सकते हो, ओके। चलिए तो ये आप सभी ने कर लिया, वेरी गुड कौशिक, चलिए सो यू पीपल हैव डन इट, क्या आप सभी ने कर लिया इसे? नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड गाइज, ओके आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अब ऐसा ही नहीं है, देखो इज एम आर वाज वर्ड, मैंने बोला था ना कि इसमें आप वर्ड भी लगा लेना। Have you written? क्या आप सभी ने लिखा है वाज के बाद वर्ड, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा देखते हैं, मैंने यहाँ पे फिर लिखा है इज एम आर वाज वर्ब हो, अब देखो उसके बाद आपको बींग देखने को मिले, ठीक है, और इसके बाद भी क्या हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, क्या हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो छूट गया है तो आप लिख लेना, उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, उसे भी पैसिव वॉइस। अभी हम लोग फिलहाल पैसिव वॉइस को अच्छे तरीके से पहचानना सीख रहे हैं, ठीक है, पैसिव वॉइस, अगर पैसिव पहचान नहीं आ गया उसको छोड़ के जो होगा वो क्या हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, इफ वी आर एबल टू रिकॉग्नाइज वन टाइप ऑफ वॉइस देन डेफिनेटली अदर इज, जो बच गया वही होगा। कहाँ लिखना है कौशिक, अपने नोटबुक पे देखो, यहाँ पे इज एम आर वाज वर्ड एक पॉइंट बनाना, ठीक है ना, बींग लिखना, उसके बाद प्लस वर्ब थ्री लिखना, इक्वल टू पैसिव वॉइस, जनरली ये भी क्या होता है, तो पैसिव वॉइस ही होता है। गेटिंग एवरीवन, इज इट क्लियर, टेल मी, बताइए आप सभी, ओके सो राइट इट फास्टली, लिखिए तो आप सभी फास्टली से लिखिए।
क्या आपने बिंग के बाद भर्तरी को लिखा? बताओ आप सभी। द आंसर वेरी गुड। तो ये भी पहचान में आएगा कि आपका, देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, अ मैंगो इज बींग इटन बाय मी। तो देखो इज भी है, बींग भी है और वर्ब 3 है, इज बींग वर्ब 3, इज बींग वर्ब 3, इज बींग वर्ब 3, ठीक है ना, इज बींग वर्ब 3 आपका क्या हो गया, बोलो, पैसिव वॉइस हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अरे बात समझ में, टेनिस इज बींग प्लेड बाय मी, इज बींग प्लेड, इज बींग प्लेड, क्या हो गया ना, देखो तो इज बींग वर्ब 3 पैसिव वॉइस हो गया ना, वेरी गुड एवरीवन। अब देखो ऐसे ही हैज बीन मिले, हैव बीन मिले, जनरली होता है, टोटली नहीं होता है, जनरली होता है, ठीक है। तो वो भी क्या होगा आपका, तो जनरली पैसिव वॉइस में होगा, हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन मिले, उसके बाद क्या मिले, वर्ब 3, हैज बीन, हैड बीन या, ठीक है ना, हैव बीन, ये भी आपका क्या होगा, जनरली इन पैसिव वॉइस में होगा। इसको भी लिखिए, इसमें भी सम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके फास्टली फास्टली एवरीवन राइट इट। हो गया क्या, क्या सभी का हो गया, हो गया क्या? अब देखिए जैसे मैंने बोला टी हैज बीन टेकन बाय मोहन, तो मैंने एक तरीका तो ये भी बता दिया था कि आपके क्या सब्जेक्ट, यहाँ पे जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो मेरा क्या है बाबू, बताओ तो मेरे को। सो इट इज इन पैसिव वॉइस, वी कैन से दैट, देखो कैसे, तो प्रैक्टिस जो ये मेरा पैसिव का सब्जेक्ट है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। देखो यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, बट उससे भी नहीं देखना और आगे बढ़ते हैं। हैज बीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी हैज बीन लगा हुआ है, ठीक है। द लेसन हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो यहाँ पे भी देख रहे हो हैड और बीन है, ये सब क्या है, पैसिव का फॉर्म, ठीक है। यानी यह सारा सेंटेंस क्या है, पैसिव। पहला मैंने क्या देखा कि हमारा नॉन लिविंग थिंग रहेगा, ठीक है, तो जनरली क्या होता है आपका सेंटेंस पैसिव में होता है। दूसरा हमने देखा कि इज एम आर वाज वर्ड के साथ आपका अगर वर्ब 3 का यूज करते हैं देन इट इज आल्सो इन पैसिव फॉर्म। उसके बाद हमने देखा है इज एम आर वाज वर्ड, उसके बाद बीइंग लगा हुआ है, वर्ब 3 लगा है, वो भी मेरा क्या है, तो पैसिव फॉर्म है। गेटिंग एवरीवन। फिर उसके बाद हमने देखा क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि हैज बीन है, हैड बीन है, हैव बीन है, ओके एवरीवन, तो वो भी क्या होता है हमारे जनरली पैसिव फॉर्म में रहता है। गेटिंग एवरीवन। क्या सभी कोई को यहां तक का पॉइंट्स क्लियर है, अच्छे तरीके से पहचानना एक्टिव पैसिव को, पहचानने में क्या किसी को कोई दिक्कत कहीं पे भी? तो चलिए इसको थोड़ा लिखिए, तो आप लोग कहां से, यहां से लिखना स्टार्ट कीजिए, राइट इट फास्टली लिखिए, तो आप लोग थोड़ा सा, वेरी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो बहुत अच्छा। बनाए आप सभी, ठीक, यू हैव 2 मिनट्स, राइट इट फास्टली।
चलिए एक और जो तरीका है लास्ट तरीका पहचानने का पैसिव को उसको देखो। आप लोग में से कितने मॉडल वर्ब को जानते हैं थोड़ा समय को बताओ तो, मॉडल वर्ब के बारे में कौन कौन जानते हैं? रेज योर हैंड, आई हैव टू सी दैट। पूर्णिमा वेरी गुड, पूर्णिमा जानती है काफी अच्छा। पूर्णिमा आफ्टर दैट मॉडल वर्ब और कौन कौन जानता है? बस पूर्णिमा एंड लेट मी हियर फर्स्ट फ्रॉम पूर्णिमा। चलो बोलो तो पूर्णिमा कौन कौन सा मॉडल वर्ब होता है? ठीक है हेलो यस स्पीक। आई एम मॉडल वर्ब्स आर आल्सो नोन एज ऑक्सिलरीज एंड दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंटेंट मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर सेंटेंस। ओके तो कौन कौन से होते हैं जनरली यही बताओ। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द डेफिनेशन। कौन कौन से मॉडल वर्ब होते हैं वो बताओ। सर इंफिनिटिव, जेरंड और ये मॉडल वर्ब होते हैं। ये मॉडल वर्ब होते हैं। चलो अब हम बताते हैं तुम लोगों को ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखो। चलिए आई विल आस्क आफ्टर दैट आल्सो। देखो ये सब देख रहे हो ना, अगर मॉडल वर्ब रहे मेरी बात को सुनना ठीक है ना, मॉडल वर्ब रहे ठीक है, उसके बाद आपका क्या लगा हुआ हो तो बी लगा हुआ हो ठीक है ना, उसके साथ क्या लगा हुआ वो वर्ब थ्री लगा हुआ तो वो भी जनरली किसमें होता है पैसिव फॉर्म में। बी बी के बाद क्या लग जाए वर्ब थर्ड फॉर्म। ऐसे मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आप देखिएगा जब एक्टिव वॉइस में रहेंगे तो वर्ब वन के बाद हमेशा क्या होगा ना जनरली ठीक है, वर्ब वन के बाद या तो हैव लगेगा तब वर्ब थ्री का यूज होगा, वो भी हम देखेंगे कब, उसका दूसरा सेंस होता है। बस अभी ये समझो कि मॉडल वर्ब के बाद अगर बी रहेगा आफ्टर दैट इफ वी यूज वर्ब थर्ड फॉर्म so it will be also part of passive voice. ये भी क्या होगा आपका passive voice होगा। okay everyone, आ रही मेरी बात समझ में? बताइए आप सभी क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप सभी को? ठीक है तो देखो modal verb कौन होता है, modal verb के बाद क्या हो be लगा हुआ हो उसके बाद verb 3 हो That is called passive voice. जैसे हम must देखते हैं, should देखते हैं, would देखते हैं, can, could, may, might, ठीक है ना, याद करो मेरे साथ सभी को एक बार बोलेगा ठीक है ना, must, should, would, can, could, may, might, used to, bear, need, how to, will, shall, उसके बाद be और उसके बाद verb 3। फिर से देखो must, should, would, can, could, may, might, used to, dare, need, out, how to, will, shall। अब देखो उसके बाद क्या हो be लगा हुआ और verb 3 लगा हुआ तो वो क्या होगा passive form में हो। थोड़ा इसको आप लोग लिखिएगा, आप लोग थोड़ा सा इसको लिखिएगा आप लोग। Has everyone completed? क्या सभी ने कंप्लीट कर लिया? Write it fastly everyone. Always, always यहाँ पे always बोल सकते हैं always, okay? Yes, Anupam. तो लास्ट वर्ड क्या है? अने यस अने यू आर सेइंग राइट। यस अने कंप्लीटली। कौन सा लास्ट में विल सेल थर्ड मींस लास्ट थर्ड आउट टू है आउट टू मी आउट टू नहीं हो रहा है कुछ।
फिर से समझ लो मैंने क्लियरली, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या कर रहा हूं। ओके एवरीवन, मैंने क्या कहा कि अगर मॉडल वर्ब के बाद आपका बी लग जाए, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगे, तो कंप्लीटली ठीक है ना, ये क्या है आपका पैसिव फॉर्म है, ठीक है ना, पैसिव फॉर्म है, इसमें है तो पैसिव फॉर्म। गेटिंग एवरीवन, अरे बात समझ में मेरी, ठीक है, गेटिंग एवरीवन, चलो इसको आप सभी ने लिख लिया, हैव यू रिटन ऑल, अब चलो इसके साथ ही साथ ना सभी को मॉडल वर्ब एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सभी को मॉडल वर्ब अच्छे तरीके से याद हो जाना चाहिए, मस्ट, शुड, वुड, कैन, हमारे पास समझ में ना, कुड, मे, माइट, यूज, टू, आउट, टू, नीड, डेयर, शैल, विल। ओके एवरीवन, चलिए अब आगे देखते हैं, इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो ही विल बी पनिश्ड, अब देखो यहाँ पे बाय नहीं लगा हुआ है, बट माई वॉइस इज क्लियर अनुपम, ओके यू मे हियर वंस अगेन मोर दैट यू विल हियर मी ईच एंड एवरीथिंग, ओके आपको सारा कुछ सुनाई देगा। गेटिंग अनुपम, देखिए यहाँ पे ही विल बी पनिश्ड, ही विल बी पनिश्ड, देख रहे हो ना, विल है, उसके बाद क्या है, बी है, पनिश्ड है, अरे बात समझ में। ऐसे ही हम देखते हैं अब इस सेंटेंस को, देखो थोड़ा बताओ तो ये सारे सेंटेंस में कौन सा एक्टिव फॉर्म में है और कौन सा पैसिव फॉर्म में है। I'm waiting for reply. Everyone has to speak about this. Okay, which one is in active form and which one is in passive form? Tell me, guys. Everyone has to speak about this. First, second, third, fourth. ये आपका first, that one is first, second, third, fourth. Okay. First passive form में, very good. Nayan, बहुत अच्छा, very good, Nayan. वेरी गुड अभिराज, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं है अभिराज, थोड़ा मेरे को बताना आप, सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं है, पायल प्रिया वेरी गुड, सभी क्या हैं आपके पैसिव हैं, नैतिक, पैसिव, 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 वेरी गुड। ठीक है देखो अब हम देखते हैं, मैंने क्या बताया था, मॉडल वर्ब अभी बताया ना, तो उसमें सेल विल है, देखो विल के बाद बी और उसके बाद वर्ब थ्री आ गया। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चन पे, वी हैव टू डिस्कस, ओके सो वी आर डूइंग लाइक दैट, ओके एवरीवन, तो विल हो गया, विल के बाद बी, बी के बाद वर्ब थ्री, ये आपका क्या हो गया, पैसिव फॉर्म में हो गया। अब देखो यहाँ पे गांधी जी इज लव्ड, गांधी जी, गांधी, ठीक है ना, गांधी जी इज है, इसके बाद क्या आ गया, वर्ब थ्री, मैंने बताया था ना इज एम आर के बाद वर्ब थ्री आएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस, वो भी याद आया, आर आया, आर के बाद क्या है, नॉन है, वर्ब थ्री है, टू मी, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ये भी मेरा किसमें है, पैसिव फॉर्म में है। वाज इंटरेस्टेड, वाज के बाद वर्ब थ्री, वाज इंटरेस्टेड, सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पैसिव वॉइस। ओके एवरीवन, क्या किसी को डिस्कस किया इसमें कोई प्रॉब्लम है, ओके अब देखो, अब एक रूल समझना, जनरली रूल जो होता है ना, कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, चलो इसको आप लोग लिख चुके हो क्या, हैव यू रिटन ऑल, हैव यू रिटन ऑल, राइट इट गाइस फास्टली, जल्दी से लिखिए, आप इसको लिखिए, तो लिखिए इसे, आ रही मेरी बात समझ में आप सभी को, क्या समझ में आ रही मेरी बात,
चलिए सभी को ही ये कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं थोड़ा सब रूल को देखते हैं। देखो किस कौन से सेंटेंस को ना हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे और किस सेंटेंस को पैसिव में नहीं कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। ओके एवरीवन, तो देखो इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस वी कैन नॉट मेक पैसिव। अब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव आप पढ़े होंगे, ट्रांजिटिव जिसमें सब ऑब्जेक्ट रहता है दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है दैट इज अ पार्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब। पढ़ा है ना आपने? अब देखो तो जिसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वी आर नॉट एबल टू मेक इट इन टू पैसिव वॉइस, हम लोग उसे पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते हैं। ओके देखो ही इज गोइंग टू टेम्पल, ही इज गोइंग टू टेम्पल, अरे बात समझ में ना, वो कहाँ जा रहा है? टेम्पल जा रहा है। अब इसमें बताओ तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, थोड़ा मेरे को बताओ सब, तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है थोड़ा सा मेरे को आप सभी बताइए, वेयर इज द ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस ही इज गोइंग टू टेम्पल? अपर में रॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लास सिक्स में ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने के बारे में पढ़ना था, आप लोग का वर्क यही रहेगा कि खुद से आप लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचाना सीखिएगा। अगर आपको नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट दिस। ओके नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं। देखो जनरली जिस सेंटेंस में कम आ जाए, गो आ जाए, वीप आ जाए, सीट आ जाए, बात आ जाए, ये याद कर लेना, ड्राई आ जाए, क्राई आ जाए, अरे बात समझ में ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं जिस भी सेंटेंस में ये सब रहे। कम, गो, वीप, सीट, बात, रन, ड्राई, क्राई एक्सेट्रा आर द वर्ड्स वी कैन नॉट मेक पैसिव ऑफ दिस वर्ड्स, हम लोग ये जब सेंटेंस में आ जाता है ये सब वर्ड्स उसका पैसिव नहीं बना पाते। अब देखो मेन रूल क्या होता है जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं उसका, ठीक है, तो ये ही इज गोइंग टू टेम्पल, क्या इसका पैसिव बन पाएगा क्या? तो इसका पैसिव बनाओ सब, तो क्या बनेगा ही इज गोइंग टू टेम्पल का, बनाइए तो आई हैव टू सी दैट, क्या इसका पैसिव बन पाएगा, यस या नो में बताइए मेरे को, नहीं बनेगा, नो 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 नो, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, तो इसका पैसिव नहीं बन पाएगा, राइट, क्या इसका पैसिव बनेगा, नहीं बनेगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल चेंज इनटू सब्जेक्ट। अब देखो सब्जेक्ट क्या होगा ना, वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जब बनाना स्टार्ट करते हैं दो तीन रूल को बस फॉलो करना, एंड आफ्टर दैट वी आर एबल टू मेक इट, ओके, वेरी इजली। पहला क्या, तो सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट में। अब देखो समझना मेरी बात को, एक्टिव का जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट रहता है पैसिव में वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। गेटिंग एवरीवन? अगर देखो ही रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, अगर हिम रहेगा तो खुद किस में चेंज हो जाएगा, तो ही में, मैंने पढ़ाया था ना नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, आप सभी ने पढ़ा होगा, वैसे ही वी किस में चेंज हो जाता है, अस में, और अस किस में चेंज हो जाएगा, वी में, अरे बात समझ में, वैसे ही अगर आपका रहेगा ठीक है आई तो मी में चेंज हो जाएगा, और मी किस में चेंज हो जाएगा, आई में, यू तो यू में ही चेंज होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यू यू में अब चेंज हो जाता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, अब देखो लास्ट जो रूल है, लास्ट जो रूल है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लास्ट जो रूल है लास्ट जो इसका रूल है, ओके एवरीवन गेटिंग, लास्ट जो रूल है उसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा हम पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम कोई भी सेंटेंस को बनाए कौन से वर्ब का यूज करेंगे, ऑलवेज थर्ड का, ठीक है, नो नॉट पॉसिबल, अने ये नहीं बन पाएगा। अब देखो क्या होता है ना, लास्ट वी यूज प्रेपोजिशन बिफोर एन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। अब देखो हम लोग ना हमेशा जनरली क्या जानते हैं कि हम लोग बाय का यूज कर देते हैं ऑब्जेक्ट के पहले, वो गलत हो जाता है, हम लोग को सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करना है प्रेपोजिशन का, मैक्सिमम में बाय का यूज होता है, बट ऐसे कुछ कुछ है जहाँ पे हम लोग दूसरे प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने ये बोला सेंटेंस सी नोज यू, अगर इसका आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, तो ये तो देख रहे हो ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यू आर नॉन टू हर्ड होगा, यहाँ पे बाई हर्ड होगा तो क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, ठीक है, और आप लोग क्या करते हो बाई लगा देते हो, क्या होगा, यू आर नॉन टू हर्ड,
थोड़ा सा इस सब सारे बातों को आप लोग लिखिए, राइट इट फास्टली गाइज, लिखिए तो, एवरीवन हैज टू राइट इट, चले लिखिए फास्टली, एवरीवन हैज टू राइट. ये आपका देम में बदल जाता है, यस शशांक. तो ये आप सबको मैंने बताया था नरेशन में, इसीलिए मैंने छोड़ दिया है. ओके हाँ, पूरा लिखना है खुद से, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. आपने पढ़ा था ना, याद होगा, नरेशन में मैंने एक चार्ट बना के आप लोगों को पढ़ाया था, उसमें है सारे का आप लोग लिख लेना, इसी बहाने एक बार रिवाइज तो हो जाएगा. चलिए आप सभी इसको लिखिए तो पहले. हो गया सभी कोई का, सभी ने कंप्लीट कर लिया. ओके अब चलो थोड़ा सा हम देखते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं. तो हमने रूल क्या देखा, पहला तो ये कि हम किसको पैसिव वॉइस में नहीं बनाएंगे, जिसका ऑब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा, वी आर नॉट एबल टू मेक इट इन पैसिव वॉइस. ओके एवरीवन, तो पहला कॉन्सेप्ट ये क्लियर. तो क्लू कैसे मिलेगा, तो कुछ कुछ वर्ड से आप इसको देख लो थोड़ा सा, कम गो वीप सिट बाथ रन ड्राई क्राई एक्सेट्रा, ठीक है ना. अगर ये सब आपको सेंटेंस में वर्ड मिल रहा है, यानी इसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा. ठीक है, मैं आपको ऑब्जेक्ट पहचानना भी सिखा दूंगा एक वीडियो में. अरे बात समझ में ना, ये आपके क्लास फिफ्थ में या सिक्स में पढ़ना था आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से. ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक बार देखेंगे. सेकेंड क्या होता है, सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाता है, मेरे साथ बोलिएगा, सब्जेक्ट विल चेंज. अगर एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है पैसिव में किस में चेंज हो जाता है, टेल मी एवरीवन, पैसिव में वो किस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट में, किसमें, ऑब्जेक्ट में. और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो किस में चेंज हो जाता है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में. वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज हम लोग करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वेरी गुड, सभी को क्लियर. ओके, और ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, वी विल ऑलवेज यूज प्रेपोजिशन.
ठीक है ना, प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। और मैक्सिमम में बाई का नहीं, नहीं बाई और टू नहीं, और सारे प्रेपोजिशन का यूज होता है। आई विल टेल यू, चलिए अभी तो हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, ठीक है। मैक्सिमम में बाई का यूज होता है। अब चलो अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब चलो पहला जो होता है, अगर प्रेजेंट इनडेफिनिट टाइप का हमारा टेंस रहे तो उसे हम कैसे बनाएंगे पैसिव फॉर्म में, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का ये होता है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट इनडेफिनिट का ये स्ट्रक्चर होता है ना, देख लो स्ट्रक्चर याद करने का बेनिफिट कितना है, एज आई टोल्ड टू ऑल ऑफ यू फॉर रिमेम्बरिंग द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कितना ये बेनिफिट आपको दे रहा है। ओके एवरीवन, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि आप स्ट्रक्चर को याद कीजिएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल बहुत ज्यादा। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है ना, पायलप्रिया देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव किसका है, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट का, और जिसको आएगा आराम से बनेगा। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देखो जो एक्टिव का, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था, अब पैसिव में वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव का सब्जेक्ट, देख रहे हो ना। ऑब्जेक्ट किसमें, मेरे कर्सर को देखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट किसमें, तो पैसिव का सब्जेक्ट में बदल गया। अब ये वर्ब वन वर्ब फाइव की जगह पे ये तो है प्रेजेंट का पार्ट, याद रखना, ये तो वर्ब वन वर्ब फाइव किसका पार्ट है, प्रेजेंट का। प्रेजेंट में हम किसका यूज करते हैं, तो इज एम आर, आर का यूज हमने किया, ठीक है। इसके बाद हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, और उसके बाद प्रेपोजिशन, ठीक है। ये देखो गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे प्रेपोजिशन भी है, बाई भी है, ये हटा देंगे हम, प्रेपोजिशन और पैसिव वॉइस। जैसे ही हेल्प्स मी, तो क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्टिव किस क्या होगा, मी का आई होगा। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेल्प, बाई हिम, ठीक, इसमें बदल गया, ऑब्जेक्ट में बदल गया। यहां से देखना, ये मी मेरा क्या था, एक्टिव वॉइस में, बोलो मेरे साथ, मी क्या है एक्टिव वॉइस में, टेल मी एवरीवन, मी क्या है एक्टिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या बन गया, पैसिव में क्या बन गया, सब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, पहले इसी को देखेंगे, मी किसमें बदल जाएगा, आई में। अब आई के साथ क्या लगता है, इज लगता है, एम लगता है या आर लगता है, क्या लगता है, टेल मी एवरीवन, एम। अच्छा मेरा वर्ब क्या है, तो हेल्प्स है, ये तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, जैसे मैंने देखा एस लगा हुआ है, हमें चाहिए क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प क्या होता है, हेल्प और हेल्प, ठीक है ना, तो आई एम हेल्प, ठीक है। प्रीपोजिशन बाई, और ही मेरा ऑब्जेक्ट में बदलना है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, तो आई एम हेल्प बाई हिम। वेरी गुड एवरीवन, क्या सभी को समझ में आया, टेल मी, क्या सभी को समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम क्या, कहीं पे भी समझने में, कहीं पे सर्गेटिंग, वेरी गुड। चलो अब देखो, आई हेल्प यू, मैंने देखा सब्जेक्ट, पहचानते चलना है, टेंस को पहचानना है, क्योंकि अभी हम पार्टिकुलरली पढ़ रहे हैं, बहुत आसान लगेगा, यू विल फील वेरी इजी, ओके। बट जब आप मिक्सलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, उस समय प्रॉब्लम होगा अगर टेंस को पहचानने नहीं आ रहा है, ठीक है। और सारा पढ़ाने के बाद हम एक ग्राफ में भी बना कर देंगे, चार्ट बना के देंगे आप सभी को, वो याद कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। यू आर हेल्प, देखो आई एम हेल्प यू, ठीक है ना, आई हेल्प यू, सॉरी आई हेल्प यू, तो यू किसमें बदल जाएगा, आपका सब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, यू का यू, यू के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, आर, यू आर, और हेल्प का वर्ब थ्री, तो हेल्प, ठीक है ना, बाई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी। तो क्या सभी को ही का क्लियर हुआ क्या, किस किस को प्रॉब्लम है पहले वाले में बताइए तो मेरे को, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, थोड़ा सा भी, कहीं पे भी, क्लियर सर। चलिए कुछ क्वेश्चन बोलते हैं हम, थोड़ा बना के दिखाओ, तो आज हम लोग केवल एक्टिव को ही देखेंगे, थोड़ा सा हम, आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक सम क्वेश्चन, और उसको आप लोग बना के दिखाइए, दिस इज योर वर्क। अब चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आई इट अ मैंगो, इसको बनाओ, आई इट अ मैंगो। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, ही टीचेस हर, आई इट अ मैंगो, ही टीचेस हर, ही टीचेस हर, ओके एवरीवन, ही टीचेस हर, इस क्वेश्चन को बनाओ, वेरी गुड, ही टीचेस हर, इस क्वेश्चन को बनाइए। Make it fastly, guys. A mango is eaten by me. Very good. She is taught by him. चलो एक और क्वेश्चन को बनाओ. We respect him. We respect him.
वी रिस्पेक्ट हिम, इस क्वेश्चन को बनाइए, वी रिस्पेक्ट हिम। वेरी गुड अमृत दीर्घ, रिसर्व, वेरी गुड, बहुत अच्छा, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अब एक बनाओ, सोहन लव्स मीरा, सोहन लव्स मीरा, इस क्वेश्चन को बनाओ, सोहन लव्स मीरा, बनाए तो आप सभी, सोहन लव्स मीरा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा, सभी कोई बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन बनाओ, राम टीचेस द बॉयज, राम टीचेस द बॉयज, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। ओके, अरे बात समझ में, द बॉयज आर टॉट बाई, द बॉयज आर, द बॉयज वर्क कैसे हो जाएगा, द बॉयज वर्क कौन बना दिया रयान, पास्ट में भी क्वेश्चन बोला, एक वर्ब बना दिए, कहाँ दिमाग है तुम्हारा रयान, कैसे वर्ड लगा दिए हो, वेरी गुड आदित्य अदर्स, वेरी गुड, सभी कोई का सही है, क्या शशांक लेक्चर क्या, बोलो बोलिए शशांक, क्या बोले हैं शशांक, बोलो तो थोड़ा, तुम्हारा आवाज सुनी क्लियरली, क्या बोल रहे हो। ओके चलिए, टेस्ट नहीं होता है, टॉट होता है आदित्य, टेस्ट नहीं होता है, टॉट होता है। तो चलिए चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से बिगनिंग वाइज का समझ में आ गया होगा, क्या बोल रहे हैं अमृत दीर्घ, बोलिए, चलो तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है एवरीवन, सो टेक केयर एवरीवन एंड डू योर होमवर्क, व्हाट इज योर होमवर्क दैट यू हैव टू कंप्लीट, आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी एक्टिव से पैसिव है आपके पास, ठीक है, हाँ स्क्रीन पर जो भी दिख रहा है उसे लिख लो, डेफिनेटली यू हैव टू राइट इट, ठीक है, तो ये आप लोग का होमवर्क है। इन योर नेक्स्ट क्लास बिफोर टीचिंग टू ऑल ऑफ यू आई विल आस्क, सभी को इसे मैं पूछूंगा, ठीक है ना, वॉइस के बारे में, एंड आफ्टर दैट आई विल टीच, ओके एवरीवन। तो चलिए, आई होप दैट अब आप अच्छे तरीके से कोई भी फॉर्म देखिएगा पैसिव का, ठीक है, तो आप उसे यूज करके, हाँ कलरफुल पेन से लिखना है, ठीक है, तो आप उसे पहचान सकते हो अच्छे तरीके से, राइट एवरीवन। तो आज के लिए क्लास को, यस आई विल अपलोड, ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं, बोलो आदित्य सर, मैंने केवल ब्लू पेंसिल सर फेयर में लिखा, जैसे लिखना है आप लिखो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, बाय गाइस, हाँ पीडीएफ सारा अपलोड हो जाएगा, यू विल गेट इट।